थे, ज़ियारत असहाब कर रहे थे, सजदे में सर, फिर ज़ियारत, फिर सर सजदे में, नबी तूल दे रहे हैं, हुसैन खुद उतरे तो उतरे, नबी ने नहीं उतारा। अब इस ज़ियारत के मयार को जहन में रखो तो मैं आयत पढ़ता हूं, वसीकुल लजीन तकौ रब्बहुम मिनल जन्नत ज़ुमरा, सूरह ज़ुमर की आयत है। अल्लाह इरशाद फरमाया कलाम मजीद का 39वां सूरा, कुछ जन्नतियों को जो तकवे पे फाइल हो गए, जिन्हें जन्नत अलाट हो गई होगी, उन्हें जन्नत की तरफ ठकेला जाएगा। तर्जमा यह दिलों पे नक्श हो गया तो बात मुकम्मल हो गई, उन्हें जन्नत की तरफ धकेला जाएगा। इससे पहले की आयत में अल्लाह ने कहा है किबला, इससे पहले की आयत में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है जहन्नमियों को दोजख में धकेला जाएगा। ये तो बात सबके समझ में आती है कि जहन्नमियों को धकेला जाएगा, जन्नतियों को क्यों धकेला जाएगा? नमाज पढ़ रहा हूं जन्नत के लिए, रोजा रख रहा हूं जन्नत के लिए, हज कर रहा हूं जन्नत के लिए, ज़कात दे रहा हूं जन्नत के लिए। भाई यूरोपाज जुमला सुनेगा, हर चीज अल्लाह ने दी, सब कुछ जन्नत के लिए, और जब जन्नत मिल रही है तो फिर जन्नत में जाने को दिल नहीं कर रहा। तो छठे इमाम से किसी ने पूछा, जाओ शिया मुफस्सरीन सारों ने इसायत के जाहिर में लिखा है, सबसे आगे सारी तफसीलें उठा के देखो, सब ने लिखा है जब जन्नतियों को जन्नत की तरफ भेजा जाएगा तो अर्श पे एक तख्त लगेगा, तख्त पे हुसैन बैठे होंगे, जन्नती हुसैन की तरफ इतनी जियारत में महब होंगे, लोग कहेंगे मलाइका उन्हें कहेंगे जन्नत में जाओ, लोग कहेंगे हमने जन्नत नहीं जाना, हम हुसैन की जियारत। हम हुसैन इब्ने अली की ज़ियारत कर रहे हैं, महब हो जाएंगे, हुसैन की ज़ियारत में जन्नत का शौक नहीं रहेगा, वो कहेंगे हम हुसैन की ज़ियारत कर रहे हैं। इसीलिए तो मेरे मुस्तफा ने कहा, सिमर गई तकरीर, इसीलिए तो मेरे मुस्तफा ने कहा, जिसने अली की ज़ियारत की उसने मोहम्मद की ज़ियारत की। जुमले सुनना जुमले, अगर समझो के दुआ बनती है तो फिर देना, रियायत नहीं करना। लाहौर से सफर करके आया हो तुमने मजलिस पढ़ने के लिए, अगर मजलिस सुनने बैठे हो जाकिर को नहीं तो फिर दुआ जरूर करना। मुस्तफा की हदीस है, जिसने अली की जियारत की उसने मुझ मोहम्मद की जियारत की, जिसने हसन की जियारत की उसने मुझ मोहम्मद की जियारत की, जिसने ज़ैनुल आबिदीन की जियारत की उसने मुझ मोहम्मद की जियारत की, जिसने मोहम्मद बाकर की जियारत की उसने मुझ मोहम्मद की जियारत की, जिसने जाफर सादिक की जियारत की उसने मुझ मोहम्मद की जियारत की, जिसने मुर्शिद कादिम की जियारत की उसने मुझ मोहम्मद की जियारत की, जिसने अली रज़ा की जियारत की उसने मुझ मोहम्मद की जियारत की, जिसने मोहम्मद तकी की जियारत की उसने मुझ मोहम्मद की जियारत की, जिसने अली नकी की जियारत की उसने मुझ मोहम्मद की जियारत की, जिसने हसन अस्करी की जियारत की उसने मुझ मोहम्मद की जियारत की, जिसने मेहदी की जियारत की उसने मोहम्मद की जियारत की। सब की जियारत मोहम्मद की जियारत है, लेकिन हुसैन का जिक्र नहीं आया। मजमा सवाल करे उससे पहले जवाब देता हूं, इसलिए ग्यारह की जियारत मुस्तफा की है, मुझ पे फतवा न लगा, करबला जा हुसैन की जमीन पे लिखा, जिसने हुसैन की जियारत की उसने अल्लाह की जियारत। जिसने मिल के सारे हैदरी फजाइल का हिस्सा मुकम्मल हो गया। वानी की हैसियत दो जुमले मसाइब के, जहां इज्जत है वहां मुसीबत भी है। सारे हाय करना इमाम हुसैन के नाम पे। दो रिवायतें सुनानी है, खुदा की कसम जाकरी किसी की मोहताज नहीं है, इमाम हुसैन का सहारा हो, नियत होनी चाहिए जिसके दिल में कब्र हुसैन है। दो रिवायतें पढ़नी है और एक साहिब है अनवार खमसा की रिवायत और मेंबर किबला के हवाले। ये जोर से रोना, चीख मार के रोना, जाकिर की तवक्को नहीं, जाकिर को जरूरत नहीं है, तुम्हारी कब्र का सामान है।
मैं पढ़ के चला जाऊंगा।